सोचा आज ही इसकी एक और फोर्थ वीडियो भी बना ही लेते हैं साथ। तो फोर्थ जो हम वीडियो है उसमें हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो इंडस्ट्री है। सबसे पहला चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का था जो मेरी सेकंड वीडियो में है। थर्ड वीडियो में इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स थी उसकी उनके मसाइल पे बात थी। चौथा इंडस्ट्रियल के बैकवर्डनेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कैसे अच्छा कर सकते हैं इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं। फिर हम इसमें कटेज यानी कि स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी होती है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स इन सब को पढ़ेंगे। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप मेरी वीडियो फोर्थ वीडियो देख रहे हैं तो फोर्थ को देखने से पहले आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ज़रूर देखिएगा। तो अब ये जो सवाल है ये वो सवाल है जो आपको 60 नंबर का पेपर यानी कि इसको करने के बाद आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसमें वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 10-10 नंबर के अटैम्प्ट करने हैं, 20 का इनकेस अब नहीं आता इंडस्ट्री में तो फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो इंडस्ट्रियल है। चलें अब हम इसको पढ़ते हैं। ये बुक है, हम इसी से मैंने रिकमेंड किया कि आप पढ़ेंगे। तो चलें अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ चैप्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें वही चीज़ जैसे हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये वो सवाल है जो आप खुद याद करेंगे। फिर मेन इंडस्ट्रीज़ क्या है ये आप पढ़ लेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज है ये पढ़ लेंगे आप, क्योंकि सवाल इतना इंपॉर्टेंट मार्क्स मतलब आपने पाक स्टडीज़ वगैरह में पढ़े होंगे ये सवाल। तो अब आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या अहमियत है जी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में। ठीक है, तो जी इंक्रीज़ करता है नेशनल इनकम। ऑब्वियसली जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो जीडीपी इंक्रीज़ होगी, आपकी जो प्रोडक्शन है ठीक है वो इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली जीडीपी इंक्रीज़ होगी। जब जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है तो किसी भी मुल्क की तो इट मींस के नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो गई, सिमिलर है दोनों। ठीक है, और जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो ऑब्वियसली पर कैपिटा ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो जाती है लोगों की। जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। दूसरा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली अब अगर मैं एक ब्रांच अब हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक कारोबारी बंदा हूँ तो मैंने अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मैं 2 की जगह 4 लोग रख लूँगा तो लोगों को क्या मिला, रोज़गार मिला। ठीक हो गया, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर जाती है क्योंकि लोग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आपका जो वेस्टेज होता है वो बहुत कम होता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जी बार बार एक ही बात करेंगे, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, और जब इनकम इंक्रीज हो जाती है ना तो लोगों का पर कैपिटा इनकम, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है और लोगों के पास पर कैपिटा इनकम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है तो लोग पैसा लगाते हैं। फिर ये आपका डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है यानी कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल कॉटन है, कॉटन आपका एग्रीकल्चर है, तो इनपुट कौन देता है, इनपुट आपका एग्रीकल्चर देता है। फर्नीचर का रॉ मटेरियल क्या है, लकड़ी, लकड़ी कहाँ से आती है, ज़रात से आएगी ऑब्वियसली। शुगर मिल है, ऑब्वियसली गन्ना लगेगा तो शुगर होगी। ठीक हो गया, एडिबल ऑयल कहाँ से आएगा, ठीक हो गया, ये सारी जो चीज़ें आपकी ये कॉटन सीड से आ सकता है, ठीक है, मस्टर्ड से आ सकता है, आपके सोयाबीन ये सनफ्लावर से आ सकता है, तो ये जो चीज़ें आपकी जो जिसमें ऑयल केक वगैरह ये सब वहीं से आते हैं। तो आउटपुट कौन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर भी बढ़ जाएगा आपका। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑब्वियसली जब आपका कंपनी यानी कि आपका कारोबार अच्छा होगा तो आप टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स हो सकता है, सेल्स टैक्स हो सकता है, ये सारे टैक्स देंगे तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली जो आपके मुल्क की जब प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी कि कंजप्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो एक्सेस होगा वो आप एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट से जब आप करेंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल की बैकवर्डनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ हम पढ़ते हैं एक सवाल और। ये जो सवाल है इंडस्ट्रियल की क्या प्रॉब्लम है जी, शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, लोगों के पास पैसा ही नहीं है जी, वो फंड्स लगाते ही नहीं हैं।
पैसा चाहिए होता है एक इंडस्ट्री लगाने में जी, और लोन के लिए जाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देयर फॉर्मेलिटीज आर टू मच. ठीक हो गया, प्रॉपर्टी मांगते हैं जी. फिर उसके बाद शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जी. एक आपने मिल लगा तो दी, फॉर एग्जांपल देखें आप शहर से बाहर ही लगाएंगे ना, इंडस्ट्रियल जोन में. इंडस्ट्रियल जोन में अगर आप एक चीज़ लगा लेते हैं ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आपने पूरे मुल्क में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टूल्स हैं बेहतर, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस. तो उसको अब आपके पास रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं. ठीक हो गया, रेलवे के थ्रू भेजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है जी. ठीक हो गया, ये चीज़ें जो है शॉर्टेज है बड़ी. लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, फिर वही बात जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम से पड़ी थी कि वर्कर्स आर नॉट स्किल्ड एंड ट्रेंड, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा होता है. लैक ऑफ सब्सिडाइज, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जब अगर फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है और वो चीज़ दस रुपये का मार्केट में रेट है उसका, जो कि ज़्यादा लगती है अगर गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कहती है जी आप इसको 6 का बेचें, हम 4 रुपये हम दे देते हैं, तो उसको सब्सिडाइज कहते हैं. ठीक है, लेकिन ये सब्सिडाइज दुनिया में दी जाती है कि आप अपने आप को एफिशिएंट कर लें, स्पेशलाइज्ड कर लें, 4 साल में या 5 साल में इसको स्पेशलाइज्ड कर लें. लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं दी जाती, और दी भी जाती है तो वो लोग स्पेशलाइज नहीं होते हैं, और अपने आप को स्पेशलाइज करते नहीं, उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो ये भी एक बड़ा मसला है. इनसफिशेंट स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयर वर्क, देखें पाकिस्तान में इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है आपकी, मशीनरी बाहर से आती है और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत आराम से नहीं मिलते हैं, तो वो ख़राब रहती हैं, फिर काफ़ी टाइम तक फिर मिल बंद हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम्स है. फिर जी ये आपके मुल्क में अभी आप खुद देख लें, पिछले 2-3 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी चल रही है पाकिस्तान में, और इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 25% या 20% तक वो उसकी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट, अगर हम हर बात के अगर हम टोटल बात करें तो वो नेगेटिव हो गई है, गिर गई है मतलब 20% से. ठीक है, तो फिर उसके बाद ये है, जनरल पब्लिक का बिहेवियर भी नॉन कोऑपरेटिव होता है. इंडस्ट्रियल रिसर्च ही नहीं है, कोई न्यू मेथड्स टेक्निक प्रोडक्शन को कैसे बेहतर करें, कैसे लोएस्ट कॉस्ट करें, ये सब बहुत मुश्किल है, ये सब प्रॉब्लम्स हम पड़ रहे हैं. फिर वही बात है, पुअर अनस्किल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हर कोई चाहता है कि बस वो कंट्रोल सुपरवाइज हो, लेकिन कोई प्रोफेशनल यानी कि उस तरह डिसीजन मेकिंग लीडरशिप, ये सब चीज़ें बड़ी मिसिंग आपको पाकिस्तान में मिलेंगी. फिर ओवर कैपिटलाइजेशन है जी, ये लास्ट था. फिर इसको कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट्स होनी चाहिए. जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे साइड एरिया, ठीक हो गया, इस तरह के वो कह रहा है कि क्रिएट्स हब होने चाहिए ताकि वो रोड कम्युनिकेशन, वाटर गैस, ये सब चीज़ें उनको इजीली मिल सकें. टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, टैक्स की कंसेशन देनी चाहिए, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए ताकि बेहतर तरीके से रिसर्च हो और प्रोडक्शन इंक्रीज हो. प्रोडक्शन पॉलिसी होनी चाहिए जी, जो आपकी बिल्कुल न्यू और इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती है उनको कोई बेहतर प्रोडक्शन पॉलिसी देनी चाहिए. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग अथॉरिटी जोन, ये हमारे यहाँ पर है, लेकिन उस तरह नहीं काम, यानी कि हमारे यहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ पर पहली बात है, जो हम चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यूज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम कोई बड़ी चीज़ें नहीं करते, हम एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के आइटम्स कर रहे हो तो उनकी वैल्यू इतनी होती नहीं है, तभी हमारा जो गैप है बैलेंस ऑफ ट्रेड का वो 50% होता है, यानी कि हमने 100 रुपये किसी को देने होते हैं और 50 रुपये का हमने लेने होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट 50 रुपये की है और इम्पोर्ट 100 रुपये की है, और ये डॉलर्स में होती है, तो हमारे यहाँ पे जो गैप आता है फॉरेन रिजर्व्स का प्रेशर दे सकते हैं. फिर हमारे पास ये होने चाहिए जो कि हेल्प करती है आपकी लोकली को, जो गुड्स होते हैं उनको दुनिया में जो एग्जीबिशंस लगते हैं, सेमिनार्स लगते हैं, उधर जाकर ताकि प्रमोशंस की जाए आपके एक्सपोर्ट को. फिर ये देखिए प्रोविजनल ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल क्रेडिट्स है, ये आसान होने चाहिए जी. फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिल्कुल फ्रेंडली रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे, आपका इस वक्त रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 21% चल रहा है मॉनेटरी रेट. फिर उसके बाद स्पेड्स बैंक का होता है तो बहुत ज़्यादा यानी कि हाई कॉस्ट पड़ जाती है, अगर आपका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट होती है.
फिर रिवाइवल होना चाहिए आपकी जो भी सिख इंडस्ट्रीज होती है जो बिल्कुल बंद हो जाती है, उनको टैक्सेस में छूट दे दें, कोई लोन दे दें, कोई इंटरेस्ट दे दें ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो जाएं, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो जो चीज़ आपकी इनएफिशिएंट चल रही है तो उनको आप, या लॉसेस में चल रही है जैसे स्टील मिल है या पपियाई का सुना था आपके सामने, तो वो क्या होता है कि प्राइवेट हाथों में जाती है, वो लोग इसको इम्प्रूव करते हैं अपनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव से जो भी है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं ताकि उसको प्रॉफिटेबल कर देते हैं। आज इस टॉपिक का लास्ट सवाल जो हम पढ़ेंगे, अच्छा ये जो सवालात हैं वही हम फिलॉसफी, अगर 10 नंबर का है तो 6-7 हेडिंग्स टोटल करनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दो पार्ट्स हैं तो 4-4 कर दें, दो पार्ट्स हैं 10 नंबर में, और अगर 20 नंबर का है तो फिर ऑब्वियसली आपको 12-13 हेडिंग्स लिखनी ही हैं। कटेज ये बड़ा SMEs कहते हैं इसका नाम है, ठीक है। फिर इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है जी, यानी कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज इसको कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये करती क्या है, देखें ये इसके फ़ायदे हम पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। लोकल मशीनरी यूज़ करते हैं लोग क्योंकि वो इम्पोर्ट बेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटा मोटा कैपिटल लगा होता है, रॉ मटेरियल भी लोकल खरीदते हैं, ये फ़ायदे हैं ना। एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं लोगों को, जैसे आप क्या कहते हैं छोटा मोटा अगर हैंडमेड कोई इंडस्ट्रीज आपका काम करते हैं, सिलाई की एक बहुत बड़ी आपने वो क्या कहते हैं एक शॉप है जिसमें 15 या 20 लोग आपके पास काम करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप जो आपने मशीन ख़रीदी है तो वो आपने यहीं से ख़रीदी होगी ना, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी यहीं से ख़रीदोगे, जैसे काज है उसके लिए बुकरम है, काटन है, ये बटन है, ये सब चीज़ें यहीं से ख़रीदते होंगे आप। ऑब्वियसली अगर 20 मशीनें तो 20 लोगों को आपने जॉब भी दी हुई होगी, तो उन 20 लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि फिर उससे आपकी आप जो चीज़ बनाते हैं फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में वो चीज़ बाहर भी भेज देते होंगे, ठीक है, इससे एक्सपोर्ट अर्निंग भी हो जाती है। तो एक्ट बाय प्रोडक्ट एंड सब्सिडी इंडस्ट्रीज ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्या कहते हैं ये भी आपको एक हेल्प दे रही होती है। एक्सपेंशन हो जाती है होम मार्केट आपकी, जो लोकल बेस्ड है उसकी में यानी कि 10 थे तो 10 लोग अब 100 चीज़ें वो मिल जाती हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कोई एक से हटकर दूसरी चीज़, दूसरी से हटकर तीसरी चीज़, तो लोगों को डाइवर्सिफाइड भी मिल जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कि ये नहीं तो ये ले लेते हैं, ये नहीं तो ये ले लेते हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो ये उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं, ये अलग से 10 नंबर का पूछेगा। लोग वही प्रोडक्शन के ओल्ड मैथड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल मिलता नहीं है जी इतने आराम से, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, लैक ऑफ कंज्यूमर सपोर्ट, फिर वो कंज्यूमर खरीदता नहीं वो चीज़, उसको पता है कि जो एक नया फैशन आ गया है, एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में तो वो ले लेता हूँ, बेहतर ये कि मैं पुराना ये चीज़ ख़रीदूँ। उसकी प्रॉपर मार्केटिंग वो बेचारा जो बना रहा है अब उसको कैसे मार्केटिंग करेगा, वो अपने इलाके से बाहर तो कहीं जा नहीं सकता, और ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री को पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि उनके पास वो रेंटेड होता है, वो जगह भी रेंटेड होती हैं, लोगों को फिर पैसा भी देना है, तो वो कहाँ से देगा अगर 2 महीने किया, जैसे अभी बीच में कोविड आया था तो आपके सामने छोटे मोटे इंडस्ट्रीज बहुत हिट हुई थी, कारोबार मैक्सिमम बंद हो गए थे। तो ये सवाल है जी, ये अगर 20 नंबर का आएगा तो पहले आप इम्पोर्टेंस लिखेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम्स लिख देंगे ऑब्वियसली, फिर इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं जी, ये उसको ना उसका तरीका बताया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, उस बड़ा 3-4 लाइनें 5-6 लाइनों में वो बता देते हैं कि जी आप इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएं, लोन फैसिलिटी दें छोटे मोटे बैंक से, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनाएं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर बनाएं, हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स बनाएं ताकि लोग जो बनाएं वो बिकें भी। एक और सवाल आता है समेडा, ये इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा, ये एक अथॉरिटी है, ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है, ये 10 नंबर का आता है, ये इसके फंक्शंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, शॉर्ट में आता है, तो ये आपने लिखने के बाद आपने जस्ट फंक्शन बता देने जी इसकी फंक्शंस हैं और बस ख़त्म। ये 6 फंक्शंस उन्होंने बताया हुआ है कि जी ये फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है SMEs को, ठीक है, उनको फिर की रिसोर्स देता है, उनके लिए प्लान बनाता है, रिवाइवल करता है उनकी इंडस्ट्रीज़ को, उनके पार्टिसिपेट करवाता है प्राइवेट सेक्टर्स में, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो भी उनको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होती है ये करता है। तो ये एक सवाल था बड़ा इम्पॉर्टेंट, और बहुत शुक्रिया आपका इंडस्ट्रियल के इस वीडियो को देखने का। नेक्स्ट 4th चैप्टर पढ़ेंगे हम, और ये क्या कहते हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें टू द पॉइंट लिखना होता है, और खुदारा कुछ
अपने से मत इस तरह लिखिएगा जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना रखते हो। और वो सवाल आपने हमेशा करने जो सबसे पहले आपको आते हों। तो मैंने बताया कि अगर कोशिश करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से करें, देन एग्रीकल्चर से करें, तीसरा इंडस्ट्रियल से करें। बहुत शुक्रिया।